बैलगाड़ी पर बड़ा निर्णय दिया है। इसके तहत अदालत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा बैलगाड़ी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयार किए गए नियमों को सही माना है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी अगुवाई वाली पिछली सरकार के लिए निर्णय का परिणाम बताया है। वहीं फडणवीस के इस बयान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार ने जवाब देते हुए कहा कि मीडिया को सब पता है, मैंने इसको लेकर क्या काम किया है। एक किसान का बेटा होने के नाते मुझे यह ज्यादा खुशी है कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए मैंने काम किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नजर आते हुए मंत्री सुनील केदार ने कहा कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हूँ। महाविकास अघाड़ी के दौरान हाई कोर्ट में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने पशुओं को अपने से अधिक प्यार करते हैं। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कहावत को पूरी तरह से ले लिया है। राज्य के पशुपालन मंत्री रहने के बाद मैंने भी बैठक की। महाराष्ट्र मंत्रालय के इतिहास में पहली बार खुले मैदान में इस विषय पर बैठक हुई। इसी के साथ ही मंत्री सुनील केदार ने आगे कहा कि दिल्ली में मीडिया ने मेरा पक्ष लिया या नहीं, सारी खबरें रिकॉर्ड की गई है। किसी और ने जो किया उसके बजाय मैंने जो किया उस पर जोर, मेहनती न्याय लाने की कोशिश की, मैं श्रेय नहीं लूंगा, मेरा ये कर्तव्य है। मैं एक किसान परिवार से हूँ, श्रेय लेना मेरा काम नहीं है, पर कर्तव्य पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनेता अधिकारों के ऊपर कर्तव्य शब्द पर जोर दे तो यह देश की प्रगति के लिए हितकर है। मी आज मनापासून फार आनंदित आहे की महाराष्ट्र राज्याकडनं या संबंधीचा जो कायदा तयार केला होता महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्यासाठी जे काही तथ्य त्या ठिकाणी सादर केले होते त्या सगळ्याचं कुठेतरी आज शिक्कामोर्तब झाला आणि एकदाच ह्या बळीराजाच्या जीवनामध्ये त्यांची असलेली विचारधारा याच्यावर शिक्कामोर्तब झालेला आहे। हा जो आमचा ग्रामीण भागातला शेतकरी आणि कष्टकरी आहे हा आपल्यापेक्षा आपल्या जनावरावर मनापासून प्रेम करतो आणि त्याला जोपासण्यासाठी सगळ्या प्रकारचे कष्ट देतो आणि अशा वेळेस एक मध्यंतरी वेगळ्या प्रकारचा विचार मांडून या सगळ्या गोष्टीला एक वेगळी दिशा देण्यात आली होती ती आता एकदाची संपलेली आहे। उच्च न्यायालयांचंही जी भूमिका आम्हा सगळ्यांनी समजून घेतली त्याबद्दल समाधान व्यक्त करतो। ज्या ज्या लोकांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुठं प्रसारमाध्यम असो कुठे त्या विभागात त्या विषयातले तज्ज्ञ लोक असो किंवा मग बैलगाडी शर्यतीमध्ये जी एनजीओज असो जे ज्या अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा याच्यामध्ये डाटा गोळा करून देण्यासाठी जी मदत केली त्या सगळ्यांचं आज नक्कीच अभिनंदन कौतुक केलं पाहिजे। त्या विभागाचा एक माजी मंत्री नात्यानं मनापासून समाधान एक शेतकरी कुटुंबातला व्यक्ती म्हणून सुद्धाही अत्यंत आनंदनीय। तुम्ही सुद्धा पाठपुरावा केला होता म्हणजे मंत्री असताना या सगळ्याचं किती मोठं समाधान वाटतं, बऱ्याच दिवसाची मागणी होती, तब्बल 12 वर्षाची ही मागणी होती तडजोड। मी सुद्धा राज्याचा मंत्री झाल्यानंतर हे विभाग माझ्याकडे आलं त्याची एक बैठक घेतली आली होती, दोन बैठका घेतले आणि एक तर बैठक मला वाटते महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये मंत्रालयामध्ये बैठक आणि ती ओपन ग्राउंड्स मधल्या ओपन स्पेसमध्ये एखाद्या। इंडिसीएन न्यूज के लिए अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।